ये सपना मेरा चाइल्डहुड से देखा हुआ था जो अब जाके पूरा हुआ है। और ये तंजानिया गवर्नमेंट द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, जो मेरे लिए एक टाइम पे एक सपना था, वो अब पूरा हुआ, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियां तो आई, लेकिन मैंने हौसला ना हारते हुए इसको अचीव किया। तो अभी आप घर पहुंचे हैं, कितना बड़ा वेलकम आप देख रहे हैं, कितना बड़ा लोगों की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है, कितनी खुशी की बात हो रही है आपके लिए। जब मैं वापस लौटा और देखा कि पूरा गांव मेरे लिए खड़ा है, मेरे स्वागत के लिए, मेरा परिवार, तो ये खुशी बयान करना शब्दों में तो नहीं हो पाएगी। तो कैसे कैसी फीलिंग थी उसमें, क्या सोचा था कि मैं कितनी बड़ी अचीवमेंट लेके घर पहुंची हूँ और कितना बड़ा उससे बड़ा भी मान सम्मान जो आपको मिल रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात ही मेरे लिए कि अपना अब इतनी बड़ी खुशी का बयान ना मुश्किल है मुश्किल है। जी। तो फिर भी क्या देखती हैं, मतलब जैसे एकदम से वैसे, मतलब इतनी बड़ी मुश्किलों से इंसान जब पार करके आता है, उसके आगे एक पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ की चोटी पर बंदा पहुंचता है, उसके बाद जब घर में आता है तो कितना रिलैक्स करता है, क्या देखते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे अपना ये मैंने 4 तारीख को अपनी क्लाइंबिंग शुरू करी थी अफ्रीका में, उनके नेशनल पार्क कि मैं ये उन्होंने अपने अंडर में ले रखा है इसको, किलिमंजारो को। तो बहुत सारी चुनौतियां मेरे सामने आई, जैसे पहले तो बारिश, फिर मौसम का एकदम से ख़राब हो जाना, फिर बर्फ़बारी, और करीब 4-5 घंटे तो स्नोफॉल ही होता रहा। और उस स्नोफॉल बहुत सारी दिक्कतें, मतलब अपने घर वालों को जब सामने देखा और पूरे गांव को देखा तो वो सारा चीज़ भूल मतलब गए भूल गए। जी। अच्छा, आप इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आए हैं, जम्मू कश्मीर में शायद पहले आप हाँ, ऐसी मैं महिला हैं जी जो इतना बड़ा अचीवमेंट लेके आई हैं, तो जी एक महिला होने के नाते इतनी बड़े पहाड़ को चढ़ जाना कैसा महसूस कर रहे हैं। ये महसूस है, मुझे ऐसा होता है कि बस करना है और मैंने इसे किया। और मैं जम्मू से पहली ऐसी महिला हूँ जिन्होंने इस फील्ड में ये अचीव किया है और ये रिकॉर्ड बनाया है कि इंडियन वुमेन भी शायद फर्स्ट ही हूँ जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि 3 घंटे 40 मिनट में हमने किलिमंजारो को इतनी दिक्कतें आने के बाद भी इसको क्लाइम किया है। शुरू से ही जी बहुत बोल्ड रही है, मुझे इस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि लड़कों से आगे है, इतने लड़के भी हिम्मत नहीं रखते जितनी जी रखती है। तो इसकी बदौलत हमारी पहचान जो है और ज़्यादा बड़ी है पूरी दुनिया में मशहूर पूरी है दुनिया में। जी। इसके साथ साथ हमारी पहचान बढ़ रही है और इस पे हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे गांव की लड़की जो है एक फॉरेन कंट्री में फतेह करके आएंगी, लौटेंगी। तो जी इन्होंने मेरे से बात भी छुपाई है, शायद हम अपनी औकात से जो है जी नहीं इसको अलाउ कर सकते थे, क्योंकि फिनंशियल इशू भी है इस सामने आते पे, हैं फॉरेन में जाना कोई आसान बात नहीं है जी। और एक लड़की के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती मुश्किल है, जी जी क्योंकि हमारे गांव के माहौल ही ऐसे हैं, जी लड़कियां तो अदर फील्ड में जाने के लिए तो हिम्मत नहीं रहती। लेकिन इसकी सोच जो है ना, इसकी थिंकिंग जो है बहुत आगे, बहुत बड़ी है, ब्रॉड थिंकिंग है ब्रॉड इनकी थिंकिंग है इसकी। जी। तो मेरे से बात कभी कभी शेयर करती थी, तो लास्टली में जब इसने प्लान कर ही लिया तो मुझे, मैं इसको इनकार नहीं कर पाया। तो मुझे अचीव करके आई, सक्सेसफुल होकर आई, और इसने इसकी बदौलत हमारी बहुत पहचान बढ़ी है, बहुत खुशी हुई, और हमारे इलाके का, हमारे गांव का नाम रोशन किया,
भारत का झंडा फार्म में जाके फहराया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है।